ऐड आती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो हमारे टूथपेस्ट में तो भाई कांटे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आए थे, लगभग 5 बजे घर से निकले, क्योंकि जो शेड्यूल है वो जारी रहना चाहिए। जो एक्सरसाइज है वो बंद नहीं करनी। हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अगर मौसम अलाउ नहीं करता, दौड़ नहीं पा रहे, तो कम से कम वॉक हो जाए। आधा घंटा डेली वॉक करना भी एक अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज है। आप जॉगिंग कीजिए या वॉक कीजिए, ये एक अच्छी एरोबिक एक्सरसाइज है। अगर आप आधा घंटा डेली करते हो तो आप बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, शुगर, थायराइड आदि बीमारियों से बचे रहते हो। इसलिए डेली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने का जो बेनिफिट, दोनों काम आते हैं, एक तीर दो काम, शिकार वाली बात होगी, दूर कर पीछे नहीं जाना, जो कंपनियां बनाती हैं वो भी एडवाइस नहीं करती। डेली ऐड के लिए लुभावने विज्ञापन दे दिए जाते हैं कंपनियों के, कि हमारे टूथपेस्ट में नमक है, हमारे में ये है, हमारे में ये, आप ये कीजिए। लेकिन असल में अमेरिकन है जो कोलगेट बनाते हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर आप कोलगेट करते हो डेली इतनी कीजिए जितना मटर का दाना होता है, ज्यादा पेस्ट ना लगाइए। तो इसलिए अगर घूमने आते हैं हफ्ते में कभी नीम का, कभी किकर का, दातुन अलग अलग करने चाहिए, जिससे एक तो मुंह की सफाई रहे, क्योंकि इनके अंदर जिस प्रकार टूथपेस्ट में केमिकल होते हैं, इनका भी टेस्ट अलग अलग होता है सभी प्रकार के दातुनों का। नीम का दातुन कड़वा है तो दांतों का कीड़ा साफ कर करेगा, अच्छी सफाई करेगा। किक्कर है तो किक्कर में अलग गुण है। तो हर प्रकार के जो पौधे होते हैं उनमें अलग अलग पेड़ों में गुण होते हैं, जिनकी दातुन करने से अलग अलग फायदे होते हैं। तो सुबह मॉर्निंग वॉक भी उसके साथ दातुन, दोनों काम हो गए आज।